हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट में। जैसा कि आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि इस बार जो है सो यहाँ पे हेडिंग से ही आपको पता चल रहा है कि इस बार बीएड 80 पार्ट्स, यानी कि बीएड के बारे में मैं इसका, और मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ, वो भी मैं आपको बता दूँ। टीचिंग मेथोडोलॉजी, देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, टीचिंग के बारे में सबको ही जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल से क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन नॉर्मल से क्वेश्चन क्या रहते हैं वो देख लीजिए, और आपका जो है सो इसमें लगभग देख लीजिए 20+ क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ क्लास की टाइमिंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी हिंदी क्लास 10 AM में होगी एंड इंग्लिश क्लास 2 बजे होगी दिन के, और जीके क्लास 8 बजे होगी, और रीजनिंग जो होगी सुबह 7 बजे, और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास आपकी 10 बजे रात में होगी। इसके लिए आप लोग तैयार होइए और आप लोग हमारे चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट पर आइए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे एजुकेशनल ब्लॉग पर जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल ब्लॉग, देखिए आइए कैसे शुरू करते हैं। हम गूगल क्रोम में जाएंगे और खोलेंगे, मैंने यहाँ पे खोल के रखा है, देखिए 4 years in BEd, यहाँ पे देखिए मैंने खोल के रखा है। एजुकेशनल पॉइंट का ये ब्लॉग है, आप लोग वहाँ पे एजुकेशनल पॉइंट ब्लॉग सर्च करेंगे, आप लोगों को ब्लॉग मिल जाएंगे, और ये देखिए क्लास वाइज PDF है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लास वाइज PDF मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करके मैं बताती हूँ, आप वहां से जाकर PDF अपना डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन, चलिए मैं आपको कुछ बता देती हूं। किसी भी व्यवसाय में, यानी कि किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए परम आवश्यक है व्यक्ति में संबंधित व्यवसाय से उचित योग्यता, अभिरुचि होना, आधुनिक समय में शिक्षण कार्य करना, ठीक है। जैसे कि ये देख लीजिए किसी भी चीज़ में, जैसे कि वो एजुकेशन हो या आप कोई बिजनेस ही करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना बनता है। अगर आप बिना नॉलेज के कहीं जाते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, अगर आप बीएड का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, यानी कि 4 years BEd जितने भी लोग कर रहे हैं, तो आप जो है सो या पहले उसके लिए एक रणनीति तैयार कीजिए। हाँ, मानती हूँ कि मैं बहुत कम डेज बचे हुए हैं, तो वहीं पे ये चीज़ लिखा हुआ है, ये आप देखिए, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। जैसा कि किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए परम आवश्यक है व्यक्ति में संबंधित व्यवसाय के संदर्भ में उचित योग्यता, अभिवृत्ति, अभिरुचि, यानी कि उसकी रुचि भी होना। अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को करने का। आधुनिक समय में शिक्षण कार्य, जो अभी चल रहे हैं मॉडर्न युग में कैसे पढ़ाया जाता है, पहले का तरीका अब रह नहीं गया, तो इसके लिए कैसे पढ़ाया, उसके अनुसार आप बनिए, ठीक है दोस्तों। उसके विषय वस्तु की गहन अध्ययन, तो इसके लिए बस यही तक था। चलिए आइए क्वेश्चन शुरू करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में एक खास बात, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको सारे के सारे आंसर सही लगते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है सो उन आंसर को मार्क कर आ जाइए। तो आपको देखिए, जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है हमारा, शिक्षा का सच्चा उद्देश्य क्या है, तो चलिए मैं पहला पढ़ती हूँ। ऑप्शन ए, छात्रों को जीविका अर्जित करने के योग्य बनाना, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, छात्रों को जीविका अर्जित करें, यानी कि छात्रों को क्या हम जीविका अर्जित, यानी कि नौकरी करने के लिए योग्य बनाते हैं, बिल्कुल सही, ये भी सही है। छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, ये भी बिल्कुल सही है भाई, बचपन से ही तैयार करनी तब तो आगे जाके वो नौकरी ले सकता है। छात्रों को ज्ञान अर्जन के लिए सहायता करना, बिल्कुल सही है भाई, बुद्धि वाले। छात्रों को सर्वतोन्मुखी विकास करना, यानी कि सभी के लिए जो है सो उसका विकास करना, सभी चीज़ के लिए तैयार रहना, ठीक है दोस्तों, इसमें सारे सही हैं। लेकिन आपका जो इसमें सही आंसर है वो है हमारा डी, ठीक है। इसमें ये नहीं माना, इसमें सारे आंसर आपको सही मिलेंगे, लेकिन आप जो आंसर मारिएगा वो जो एग्जैक्ट हो, मतलब कि सबसे सही हो, वही मारेंगे। इसलिए इसका आंसर डी, आपको सारे सही लगेंगे, आप बस अच्छा कहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं शुरू करती हूँ। शिक्षा के लिए मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, चलिए शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए, इसमें भी देखिए बिल्कुल सही, अध्यापकों का उच्च वेतन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, आप शिक्षा को मानिए छात्रों का मूल्यांकन तो करेंगे, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तकों का भी मूल्यांकन करेंगे, पाठ्यक्रम में संशोधन, तो इसमें देखिए आपको इसमें क्या आंसर होगा, छात्रों का सतत मूल्यांकन। देखिए अध्यापकों का उच्च व्यापन ठीक है, वो अपने जगह सही है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर क्यों सही है मैं ये भी बता दूं, छात्रों का सतत, जब तक हम छात्र का सतत मूल्यांकन यानी कि छात्र का असेसमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमने गुणवत्ता को कैसे सुधार कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षा को मानदंड ऊंचा करने के लिए छात्रों का मूल्यांकन ही जरूरी है। चलिए सेकंड थर्ड क्वेश्चन आया है,
शिक्षा क्या है? शिक्षा एक पुस्तक है, एक बिजनेस है, शिक्षा जो केवल शिक्षकों से मिलती है, शिक्षा ज्ञान एवं अनुभव है। तो दोस्तों आपको इसको पढ़ने से ही पता चल रहा हो कि शिक्षा ज्ञान और अनुभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें क्योंकि क्वेश्चन ऑल टू ऑल लगता लगभग लगभग 40 क्वेश्चन है। अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह केवल क्या है? समय बिताने वाली रही है, बिल्कुल गलत है भाई, समय बिताने वाली शिक्षा नहीं होती है। उपयोगी एवं मूल्यांकन है, उपयोगी एवं क्या है, प्रीसियस है हमारा, तो जाहिर सी बात है कि उपयोगी एवं प्रीसियस है, आगे देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। उच्चतम शिक्षा में सर्वाधिक सहायक, मतलब सबसे अधिक सहायक क्या है? व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, व्यक्ति को अर्थोपार्जन बनाना, व्यक्ति को विद्वान बनाने में, व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने में। तो देखिए दोस्तों इसमें व्यक्ति को आत्मनिर्भर, अगर हम उसको जो है सेल्फ डिपेंडेंस नहीं बनाएंगे सेल्फ, तो क्या कर पाएगा अपनी लाइफ में? हमेशा हमेशा का हमेशा दूसरे के साथ ही चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र में सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आप सर्वाधिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्षेत्र के लिए आयामों पर शोध करेंगे, शिक्षा पर संगोष्ठियाँ जो है सो आयोजित करने पर करेंगे। तो हम अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, आपकी शिक्षा सफल है यदि आप उसके सम्मान में वृद्धि करते हैं, आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है, आप दूसरों को भी लाभ, आपसे उससे दूसरों को लाभ मिलता है, आपको उससे नौकरी प्राप्त होती है, इसमें क्या सटीक आंसर होना चाहिए? तो आपको इसे हमेशा शिक्षा को अपना बिजनेस मत समझिए, ये समझिए कि शिक्षा से हमें क्या है, अपना का अपना संतोष प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के लिए उपयुक्त क्या है? वर्तमान परीक्षा पद्धति, सेमेस्टर पद्धति, सौ पुस्तक परीक्षा पद्धति, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र। तो इसका सेमेस्टर पद्धति, सेमेस्टर पद्धति जो है सो शिक्षा के लिए मिल जाता है कि हम 6 महीने पर, सेमेस्टर पद्धति क्या होता है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, या 6 मंथ पर, 6 मंथ पर जो है सो इसका एग्जाम होता है, उसी को सेमेस्टर पद्धति, कि 6-6 महीने में बच्चे क्या कर रहे हैं बस उसको जानना है। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है स्थानीय जानकारी द्वारा, भारत के इतिहास द्वारा, भारत के भौगोलिक ज्ञान द्वारा, भारतीय संस्कृति ज्ञान द्वारा। तो इसका जो है सो आपको भारतीय संस्कृति ज्ञान द्वारा, जब तक हम उसकी संस्कृति को ज्ञान, देखिए स्थानीय जानकारी, भौगोलिक ज्ञान सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब तक उन्हें कल्चर का ज्ञान नहीं देंगे तब तक कैसे उन्हें उपयोगी बनाया जा सकता है। बालक को सर्वांगीण विकास, मतलब बालक को सभी गुणों के लिए विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो धार्मिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक ज्ञान, खेल कूद। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? तो हमें धार्मिक तथा सांस्कृतिक, जरूरी नहीं है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम देने से बच्चे आगे बढ़ जाए, सांस्कृतिक ज्ञान से भी नहीं, खेलकूद से भी नहीं, तो दोनों चीज का जरूरी है। समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ क्या होता है? तो यह क्या होता है, यहाँ पे आपको सीधे सीधे इसका आंसर देखिए, सबसे मिलजुल कर सहयोग कार्य करें, वैज्ञानिक एवं दृष्टिकोण बनाए तथा व्यक्ति को, तो यहाँ पे आपको सी आंसर डायरेक्ट लग रहा है कि तालमेल एक सही हो जिसे सफलतापूर्वक क्या हमें निभाया जा सके। चलिए प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति की बुनियादी विशेषता, निम्नलिखित में से बुनियादी विशेषता क्या है? तो ये छात्रों के मत के आधार पर निर्णय देने के, देखिए छात्र का जो भी मत होगा उन्हीं पर वो निर्णय देंगे, उसी के आधार पर वो स्वतंत्रता प्राप्त करता है, यही है प्रजातांत्रिक। यानी कि जैसे कि वोट देते हैं, वोट में प्रजा का जो मन होता है उसी से जो आधार होता है वही अपना मुख्यमंत्री चुनती है, उसी तरीके से होता है। किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए संरक्षण की कसौटी होगी, तो क्या प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की क्या कसौटी होगी? तो इसका देख लीजिए, इसमें देखिए छात्रों के अभिव्यक्तताओं में रुचियों का विकास बिल्कुल होगा, ज्ञान संबंधी एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि बिल्कुल होगा, छात्रों में सामाजिक विकास की पूर्ति, जाहिर सी बात है हम सामाजिक नहीं देंगे तो कैसे वो बढ़ेंगे, इसलिए इसका आंसर डी होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा दर्शन में विद्यालयों का आदर्श स्वरूप है कि ये क्या करे, युवकों की आकांक्षाओं में संतुष्टि में सहायक हो, फिर जो है सो भावी समाज का रूपरेखा तैयार करे, विशेषज्ञ अनुरूप शिक्षण प्रणाली अपनाए और सामाजिक प्रतिरूप कार्य करे। तो ये युवकों की आकांक्षा में जो है संतुष्टि में सहायक होता है। आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या हो सकता है? आधुनिक शिक्षा का मतलब बालकों में उत्तम आदतों का निर्माण तभी होगा, उसका जो है सो आधुनिक वास्तविक लक्ष्य हो सकता है। जीवन यापन का प्रशिक्षण नहीं होता है, महापुरुषों का अनुमान ये सब बिल्कुल नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए? तो आपको मैं बता दूँ बिल्कुल की जानी चाहिए, लेकिन कहाँ घनी है बिल्कुल नहीं,
नगर के बाहर बिल्कुल नहीं, निकट गांव में बिल्कुल नहीं, तो प्राकृतिक वादा जहाँ पे नेचुरल हो सब कुछ वहाँ पे किया जाना चाहिए। वर्तमान लक्ष्य वर्तमान शिक्षा से संबंधित नहीं है, वर्तमान उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनके जो है सो संवेदी प्रशिक्षण, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, मनोरंजनात्मक उत्सुकता बढ़ाना, तो बालकों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, ये क्या है उनका लक्ष्य का वर्तमान शिक्षा से संबंधित नहीं है। वर्तमान में एक उत्तम शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है कि वह बालकों में बालकों में क्या करें, आज्ञा पालन की प्रकृति का विकास करें, शैक्षिक क्षमताओं की वृद्धि करें, आलोचना में कोई व्यवहार आरोपित न करें। तो यह जो है सो हमारा शैक्षिक क्षमताओं की मतलब कि उसमें शिक्षा के लिए पढ़ने के योग्य उसे प्रेरित करें। शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रीभूत गुण को क्या माना जाता है, शिक्षा के सब सूत्रों में मानवीयता, देखिए आत्मविभूति नहीं माना जाता, ये गलत हो गया, चारित्रिक योग्यता बिल्कुल नहीं, आर्थिक प्रवृत्ता नहीं, उसकी मानवीयता मतलब कि उन्हें मानवता का भी गुण सिखाया जाए। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, इंसान जो होता है जब शिक्षा की कमी होगी तो उसे छोड़कर चला जाएगा, इससे मानवता का गुण जो है सो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप निम्नलिखित में से किस प्रकार की कक्षा को प्रजातांत्रिक मूल्यों के ओतप्रोत पाते हैं, फिर देखिए छात्रों का पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों ग्रहण करने की स्वतंत्रता, छात्रों को देखिए यहाँ पे बिल्कुल है, छात्र जब तक पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों ग्रहण नहीं करेंगे तो कहाँ से उनका होगा। चलिए छात्रों के मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन का उत्तरदायित्व क्या है, इससे बाहर अब क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है फ्रेंड्स, बस इसी के अनुसार पे आएगा। छात्रों का मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन उसके देखिए, न तो प्रधानाध्यापक अकेले होता है, न शिक्षकों पर होता है, न केवल छात्रों पर, बल्कि शिक्षक और छात्र दोनों पर होता है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ द सी। शिक्षक विद्यालय में का सर्वोच्च क्या है, शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च छात्रों का, जाहिर सी बात है कि आपको लग रहा होगा छात्रों का मार्गदर्शन करना, और फिर जो है सो यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ है, आपको पहला जब मिल ही गया तो फिर क्या है, छात्रों का जब तक मार्गदर्शन कैसे वो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसा कार्य है जो शिक्षकों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, छात्रों के माता पिता पर व्यवसाय अनुचित लाभ प्राप्त करना, छात्रों की देखभाल उचित देखभाल करना, पाठ्य पुस्तकों के अभिलेख तैयार करना, छात्रों के लिए दैनिक पाठ्यक्रम, तो बिल्कुल हमारा फर्स्ट आंसर के साथ हम जाना चाहेंगे। शिक्षण का सार्थक प्राथमिक उद्देश्य क्या है, शिक्षा का जो है सो प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो छात्रों के अनुभव एवं अधिकाधिक संवर्धन करना, मतलब छात्रों के अनुभव को क्या है बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वो अपने क्या विचार करते हैं, क्या लाते हैं। उपयुक्त प्रश्न के संदर्भ में शिक्षक की मूलभूत दायित्व क्या होना चाहिए, छात्रों के लिए अनुभवों की योजना तैयार करना, छात्रों के लिए संचय अभिलेख तैयार करना, छात्रों के विभागों के साथ मानवीय रिश्ते स्थापित करना, छात्रों को नवीन शिक्षक पद्धतियों को पढ़ना, तो हमारा छात्रों के शैक्षणिक गुणों को अनुभव तैयार करते हैं तभी वो होता है। छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किस स्तर पर होता है, तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल इसमें सभी स्तर तो होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट आंसर हमारा है हाई स्कूल स्तर पर, यानी कि वो जिसमें सीखते हैं, यानी कि वन से लेकर जितने भी होते हैं उसमें सीखते हैं। प्रौढ़ शिक्षा क्या है, देखिए दो फ्रेंड्स मैं आपको एक क्वेश्चन में प्राथमिक स्तर जो 0 to 1 to लेकर 6 तक होता है, और हाई स्कूल स्तर यानी कि 6 to 12 तक होता है, और विश्वविद्यालय आप जानते होंगे कॉलेज, तो इसलिए इसका आंसर होगा हाई स्कूल स्तर पर। प्रौढ़ शिक्षा क्या है, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए है, जो बड़े होने के बाद पढ़ते हैं, बचपन से वो नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा है। प्रौढ़ शिक्षा का निम्नलिखित पद से संबंध नहीं, निरक्षरता उपचार परख शिक्षा का आयोजन, व्यावसायिक शिक्षा, राजनीतिक, तो यह क्या है, तो राजनीतिक शिक्षा का आयोजन, ये संबंध नहीं है इसका, क्योंकि राजनीतिक ज्ञान उनके पास खुद से होता है। प्रजातांत्रिक संदर्भ में शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए, उत्तरदायित्व स्वतंत्रता की भावना के विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विकास, सरकारी पराधीनता का विकास, समान नागरिकों का विकास, तो ये हमारा होता है उत्तरदायित्व स्वतंत्रता का भावना का विकास। फिर चलिए विद्यालय संबंधी कार्यों के विरुद्ध पद हैं, विद्यालयों का अंतरीकरण, विद्यालय सामाजिक निर्माण का कार्य, विद्यालयों का निम्न स्तरीय कार्य, और व्यावसायिक अवसरों का निर्माण, तो विद्यालयों का राजनीतिकरण होना चाहिए। एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, तो ये जो है सो क्या प्रश्न पत्र तैयार करना, ये सब तो बिल्कुल क्या होना चाहिए आप ही बताइए मुझे, तो ये शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, यानी कि उन्हें शिक्षा के प्रति, यानी किसी भी सब्जेक्ट में उनकी रुचि नहीं है तो बस उनके रुचि को बढ़ाना उनका जो है सो मूल उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, शिक्षा एक कला है,
शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक कोई भी शिक्षक जन्मजात नहीं होता है। इसके लिए मेरे तरफ से आंसर शिक्षक जन्मजात ही होते हैं, आई मीन कि जन्मजात नहीं होते हैं, ये गलत है। एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? उसे पाठ याद करने के लिए डांटना, उत्तर क्यों गलत समझाना, किसी विद्यार्थी दूसरे ठीक उत्तर पूछना, गलत उत्तर छोड़कर अगला प्रश्न पूछना। तो आपके अनुसार से इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल गलत उत्तर छोड़कर उसका अगला प्रश्न पूछना। अब मैं अपने अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूंगी। चित्रकारी करना, सोना, फिल्म देखना, लेखन चुनाव प्रसार, पत्रिकाएं पढ़ना, सुनना, आपके लिए क्या आंसर हो सकता है सही? तो मेरे अनुसार से पत्रिकाएं पढ़ना, जाहिर सी बात है आप एक शिक्षक है तो शिक्षक के ही काम किया कीजिए। मुझे विश्वास है कि अध्यापन व्यवसाय के लिए है, तो इसके लिए हमारा आंसर मैं चाहूँगी भले प्रशिक्षण आवश्यक है, बिल्कुल आप जब तक सीखेंगे नहीं तो दूसरे को क्या पढ़ाएंगे। यदि दो छात्राएं आपस में झगड़ रही हैं तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि आप दोनों की पिटाई तो बिल्कुल नहीं करेंगे, दोनों को डांट कर अलग कर देंगे, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, चुपचाप वहां से चली जाएंगी। तो भाई किसी को जाते हुए देख नहीं सकते, दोनों को डांट कर अलग रहते कि तुम लोग झगड़ा मत करो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। अब एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा हो तो उसकी समस्या को समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए, उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिए, उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए, उसके अभ्यागतों को शिकायत करना चाहिए। तो हमारे ख्याल से इसका बिल्कुल उसकी समस्या को समझ भाग, आखिर वो बहुत ही तेज था, वो इतना ख़राब क्यों हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी ढंग क्या है? तो आपको शिक्षण विधि में सुधार करना चाहिए। अध्यापक सम्मान पाता है जो विषय एवं ज्ञान में जो विषय एवं ज्ञान वृद्धि में, यानी कि इसका आंसर जो विषय धन अर्जित करने में बिल्कुल नहीं होगा, जो राजनीतिक में बिल्कुल नहीं होगा, जो धर्म, इसलिए आपका एक डिफरेंट आंसर यही लग रहा है इसके लिए। चलिए आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए जो प्रतिभाशाली हो, सामान्य हो, मंदबुद्धि हो। जाहिर सी बात है शिक्षा का धर्म है कि हर किसी को पढ़ाए, इसीलिए सभी इस प्रकार के। देखिए फ्रेंड्स, इससे आगे आपको कुछ भी नहीं आने वाला है, अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो आपके पास उतना विकसित हो चुके हैं आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन आज के लिए मंगलमय जाएगा। धन्यवाद।